मैं सचिन खताविया आज आपके लिए फिर से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आया हूँ। और आज के वीडियो बजाज पल्सर 125 BS6 बाइक के बारे में। लेकिन इससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई जैसे कि आपको पता है, आज का वीडियो बजाज पल्सर 125 BS6 के बारे में, और आपका भाई हर बार इतना सबसे पहले प्राइस के बारे में बात करता है। प्राइस के बारे में इसलिए बात करता हूँ क्योंकि जो चीज़ हमारे बजट में फिट होती है हम सबसे पहले वही चीज़ परचेज करते हैं। तो आइए सबसे पहले प्राइस के बारे में बात करते हैं। ड्रम में है ये एक्स शोरूम के अंदर, प्राइस है इसका 63,616 रुपये का, जिसमें से RTO अमाउंट 5,079 रुपये का, इंश्योरेंस अमाउंट है 5,791 रुपये का, ऑन रोड प्राइस आपको 74,496 रुपये की पड़ेगी, जिसमें से EMI पे अगर आप लेना चाहते हो तो 1861 पर मंथ देके ले सकते हो। अब बात करें तो STD की, तो STD एक्स शोरूम प्राइस है इसका 66,618 रुपये, जिसमें से RTO अमाउंट होगा 5,329 रुपये का और इंश्योरेंस अमाउंट होगा 5,855 रुपये का। ऑन रोड प्राइस आपको पड़ेगी 77,802 रुपये की, और आप EMI पे लेना चाहते हो तो 1949 रुपये पर मंथ दे के ले सकते हो। बात करते हैं स्प्लिट सीट की, तो एक्चुअल में इसका प्राइस है 70,618 रुपये का, जिसमें से RTO अमाउंट होगा 5,649 रुपये का और इंश्योरेंस अमाउंट होगा 5,940 रुपये का, और ऑन रोड प्राइस होगी ये 82,207 रुपये की। अब बात करते हैं EMI पे, तो EMI पे आप ये 2,066 रुपये पर मंथ दे के ले सकते हो। बात करते हैं इंजन की, तो इंजन टाइप में 4-stroke 2-bulb twin spark BS6 कॉम्प्लीमेंट DT ऐसे इंजन है इसके अंदर। इंजन डिस्प्लेसमेंट है 124.4 cc की। पावर की बात करें तो 12 PS एंड 8,500 RPM है। टॉर्क है 11 Nm एंड 6,500 RPM की। एमिशन टाइप इसमें BS6 है और बोर है 56 mm का और स्टॉक है 50.5 mm का। नंबर ऑफ सिलेंडर एक है इसके अंदर। ड्राइव टाइप इसमें चेन ड्राइव है, बल्ब पर सिलेंडर दो है, फ्यूल टाइप पेट्रोल है। इग्निशन डुअल डिजिटल इग्निशन देखने के लिए मिलेगा। कंप्रेशन रेशो 10.3:1 है इसके अंदर। ट्रांसमिशन की बात करें तो ट्रांसमिशन टाइप से मैनुअल होगा और नंबर ऑफ गियर्स 5 स्पीड यानी कि 5 गियर है इसके अंदर। बात करते हैं ब्रेक्स की, तो फ्रंट ब्रेक इसमें ड्रम है, रियर ब्रेक भी इसमें ड्रम है। परफॉर्मेंस एंड फ्यूल इकोनॉमी की बात करते हैं तो सिटी माइलेज देती है 51.46 किलोमीटर पर लीटर, और हाईवे पर माइलेज देती है 57 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, अब बात करते हैं चेसिस एंड सस्पेंशन की, तो फ्रंट सस्पेंशन इसमें टेलीस्कोपिक है और रियर सस्पेंशन है ट्विन गैस शॉक के साथ है। चेसिस की बात करते हैं सिंगल डाउन ट्यूब फ्रेम के साथ है, और टाइप एंड व्हील्स की बात करते हैं तो टायर साइज में फ्रंट टायर है 80/100 का -17 और रियर टायर है 100/90 का -17। व्हील साइज की बात करते हैं तो फ्रंट व्हील इसमें 431.8 mm का और रियर व्हील भी इसमें 431.8 mm का, दोनों ही सेम है, सेम साइज के है। और टायर टाइप की बात करते हैं, टायर टाइप इसमें ट्यूबलेस है, व्हील टाइप इसमें अलॉय होने वाला है। डायमेंशन की बात करते हैं, व्हील बेस इसमें 1320 mm का है, लेंथ है इसमें 2055 mm की, ग्राउंड एंड क्लियरेंस 165 mm का, हाइट है इसमें 1060 mm की, और वेथ है इसकी 755 mm की, और फ्यूल कैपेसिटी है 11.5 लीटर इसकी। फ्रंट ब्रेक डायमीटर है इसका 240 mm का और रियर ब्रेक डायमीटर 130 mm का है। बात करते हैं इलेक्ट्रिकल्स की, तो बैटरी टाइप इसमें MFA यानी कि मेंटेनेंस फ्री है, जो कि काफ़ी अच्छी है, और क्लियर लैंप्स इसके अंदर अवेलेबल होगी और LED टेल लाइट भी इसके अंदर देखने के लिए मिलेगी। टर्न सिंगल लैंप इसके अंदर बल्ब में देखने के लिए मिलेगी। तो बाइक काफ़ी प्यारी लग रही है, BS6 में न्यू आई है।
गाइज अब वीडियो देख चुके हो, वीडियो काफी अच्छा था। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। जैसे कि आपको पता है आपके एक लाइक से आपके भाई को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, और कमेंट में बताइए वीडियो कैसे लगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। आपको भाई आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई देता है, उसी टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ जिस टॉपिक पे आप बोलते हो। और अगर आप अपने भाई के चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।